राहुल गांधी को लेकर बीजेपी का विवादित बयान। बीजेपी कर्नाटक अध्यक्ष के बयान से मचा मवाल। बच्चे पैदा करने को लेकर ये क्या कह गए नलिन। सियासत में निजी मुद्दों को लेकर बयानबाजी देना कितना सही है और कितना गलत ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा करने वाले नेताओं को सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। ऐसा ही एक बयान सामने आया है कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कटील का, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। नलिन कटील के इस बयान से बवाल मचना लाजमी है, क्योंकि ये बयान है राहुल गांधी के बच्चे पैदा करने को लेकर। राहुल गांधी शादी क्यों नहीं कर रहे, इस बात की चर्चा भले ही होती रहती हो, लेकिन शायद इसकी चिंता कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष को ज्यादा है, तभी तो वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा सांसद और कर्नाटक प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष नलिन कटील ने एक कार्यक्रम के दौरान कह दिया कि राहुल गांधी शादी नहीं कर रहे। इसके पहले उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सिद्धरमैया लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगाने के लिए बरगलाते थे और कहते थे कि वैक्सीन लगवाने वालों को बच्चे नहीं होंगे, लेकिन दोनों नेताओं ने खुद वैक्सीन लगवा ली। कर्नाटक में बीजेपी के एक विधान पार्षद का हवाला देते हुए कटील ने दावा किया कि हमारे विधान पार्षद ने कहा कि राहुल गांधी ने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो सकते। बयान से नाराज कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कटील को जोकर कहा है। सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा, कर्नाटक में बीजेपी के सर्कस में एक जोकर है, अनाप शनाप बोलने की बीमारी से पीड़ित हैं, चूंकि कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता, इसलिए वो खबरों में बने रहने के लिए बेवकूफी भरे बयान देते हैं। आपने सही अनुमान लगाया, यह नलिन कटील हैं, कृपया उन्हें अनदेखा करें। उन्होंने आगे कहा, ऐसी मूर्खताएं हमेशा कायरों और मूर्खों के पास होती हैं। यह बीजेपी की विशेषता है, वे विज्ञान और वैज्ञानिकों का अपमान करेंगे, वे वैज्ञानिकता का विरोध करेंगे, वे रूढ़िवादिता को बढ़ावा देंगे, वे छल कपट को बढ़ावा देंगे, उन्हें इतिहास के कूड़ेदान में धकेल दिया जाना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार बीजेपी के नेताओं के निशाने पर हैं। बीते दिनों राहुल गांधी ने संसद में पीएम मोदी और अडानी के बीच संबंधों को लेकर सवाल खड़े किए थे, उस समय भी उन पर जोरदार हमला बोला गया था। इन दिनों राहुल गांधी इंग्लैंड के 10 दिनी दौरे पर हैं, यहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच दी। इस पर भी बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा है। बीजेपी ने राहुल गांधी को विदेशी धरती पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया है।